टेंथ क्वेश्चन में हमारे पास 2x2 का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1100, हमें प्रूव करना है इस स्टेटमेंट को, तो थोड़ा केयरफुल रहेंगे, ये थोड़ा अलग है, एनसीईआरटी मिसलेनियस का क्वेश्चन नहीं है। तो जो भी चीज़ें हमने इसे माना पीएन स्टेटमेंट, सबसे पहले एन की जगह 1 लिखा तो क्या आ गया ये P1, P1 में क्या आ गया AI+BA और यहाँ से आ गया AI1A1-1 के साथ BA, तो ध्यान से देखें तो ये क्या बन गया AI के साथ BA और LHS में भी है हमारे पास AI के साथ BA, तो कहा जा सकता है कि P1 is true। अब बारी आती है N is equal to K की, जिससे स्टेटमेंट बनेगा P of K स्टेटमेंट क्या बन गया AI BA रेस्ट पा के इक्वल टू AKI+KA K-1 के साथ BA। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता है N इज इक्वल टू K+1, इसे थोड़ा समझ लेना, लास्ट है पर अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें दिक्कत आ सकती है एक आध जगह आपको, ये आएगा AI के साथ BA की पावर K+1, ये LHS है, LHS से RHS लानी है, मतलब हमें ये लाना है प्लस ध्यान रखना है जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ क्या आना है K+1 आना है, सो बहुत ध्यान से धीरे धीरे करेंगे इस क्वेश्चन को। ये हमारे पास है AI के साथ BA की पावर K और AI के साथ BA, इसे ऊपर लिख लेते हैं थोड़ा अच्छे से समझते हैं, AI के साथ BA की पावर K और था AI+BA। आप देखो AI+BA रेस्ट टू पावर K, AI+BA रेस्ट टू पावर K की कुछ वैल्यू है हमारे पास, इसे लिखते हैं, तो यह आया AKI+KA K-1 ठीक है के साथ BA, के साथ में क्या है AI के साथ BA। देखिए ये चीज आपको नजर आ रही है, इसकी मल्टीप्लाई होगी AI और BA के साथ, फिर K1 की मल्टीप्लाई होगी AI और BA के साथ। अभी यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो रहेगा, अच्छा एक और चीज़ रहेगा, ये भी तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो गई और ये यहाँ पे BA रह गया, चलो यहाँ लिख देते हैं ठीक है। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा AK की मल्टीप्लाई A के साथ आएगी, तो AK+1 ये दोनों तो ख़त्म हुए, और I की I के साथ, फिर इसकी मल्टीप्लाई AKI की मल्टीप्लाई BA के साथ, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई देखो यहाँ करेंगे, ये देख रहे हो A की पावर कितनी है K-1 और यहाँ कितनी है 1, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने से AK आएगा, एक साथ में I आएगा, वहाँ से एक B आएगा और एक A आएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो K आया, A^K-1 आया, B की B में मल्टीप्लाई करी तो B² आया और A² आया, ये A² आया, A² तो हम निकाल भी सकते हैं, कैसे A के साथ A को मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ निकाल लेते हैं अलग से, A² को अगर हमें निकालना हो तो 1100 के साथ क्या आएगा 1100, इधर बनाएंगे रो इधर बनाएंगे कॉलम, तो क्या बनेगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहले की पहले में दूसरे की दूसरे में, पहले की पहले में दूसरे की दूसरे में, तो यहाँ से क्या आ रहा है 1+0, फिर यहाँ से आएगा 0+0 और आएगा 0+0, तो कितना आ गया ये तो A आ गया, 1100 आ गया A आ गया ठीक है, वैसे गड़बड़ है इसे 0 आना चाहिए था। NCERT है किसी के पास, चलो अभी बताते हैं, सुनो यहाँ से को I into I क्या आएगा दिखाओ,
हाँ ठीक है, इसमें करेक्शन है, यहाँ पे जीरो है, ठीक है करेक्शन कर लेना इसमें। तो अब जरा अगर हम देखें तो यहाँ जीरो आएगा, यहाँ पे जीरो। अब मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो हो गया जीरो जीरो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फिर से हो गया जीरो, और सारे के सारे जीरो के बन गया नल मैट्रिक्स। ठीक है, अब जरा देखो आई की ए में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, और आई की ए में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, और ए स्क्वायर क्या हो चुका है, नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स से पूरा का पूरा बन जाएगा नल मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये बन गया ए के प्लस वन और आई, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, ये तीनों चीजें कॉमन आ रही है ना, ये तो क्या बचा, यहाँ वन बचा, वहाँ के बचा और ए के बचा, साथ में बी ए बचा, ध्यान से देखेंगे अभी। ठीक है, तो हमारे पास ए है, के प्लस वन है, आई है, फिर एन की जगह के प्लस वन है, ए की पावर में के है, मैंने इसमें प्लस वन करा और माइनस वन करा, साथ में बी लिखा और ए लिखा। अब जरा देखो जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ के प्लस वन है या नहीं है, तो आप कह सकते हो क्या, पी के प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू।